नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम विकास दुबे है। मैं कुंडा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी एक छोटी सी शॉप है कपड़े की, जो कि लेडीज़ गारमेंट का मैं कपड़ा रखता हूँ और काफ़ी दिनों से मैं रखा हुआ हूँ। लगभग 6 महीने हो गए हैं मेरे शॉप को। तो मैं 6 महीने से पिछले 6 महीने से मैं पिछले 4 महीने से मैं ऐसा किया था कि 4 महीने मैंने अपने पास के ही जो होलसेलर है मेरे, उनसे मैं माल प्रोवाइड लिया करता था। वो मुझे प्रोवाइड करते थे और मैं उनका माल बेचा करता था। मगर जो सोच करके मैंने ये शॉप खोली थी ना, कि मुझे इसमें ये मार्जिन मिलेगी, मैं इतना कमा पाऊंगा, इतना बचा पाऊंगा, नौकरी से अच्छा है, ये सोच करके जो भी मैंने ये सोच करके किया था ना, अभी मेरा वो सब कुछ कुछ भी नहीं हो रहा था। 4 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैं, एक रिलेटिव है मेरे, उनके पास में मैं गया तो उनकी भी कपड़े की शॉप है, मगर थोड़ी अनबन सी रहती थी, तो फिर मैं उनके यहाँ कम जाता था। पर कुछ दिन पहले, मैं 2 महीने पहले मैं गया उनके पास, तो उनके यहाँ देखा तो एक कंपनी है बेपार करके कंपनी है, वहाँ से वो माल परचेस करते हैं डायरेक्ट सूरत के मैन्युफैक्चरर से। तो हमारी उनकी बात होने लगी, काफ़ी दिनों बाद हम मिले थे, तो हमारी उनकी बात होने लगी। तो वो बताने लगे कि सूरत के मैन्युफैक्चरर जो हैं, अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर और अच्छे खासे रेट में हमें प्रोवाइड करते हैं माल इस एप्लीकेशन के ज़रिए, जो कि जिसका नाम है बेपार। तो मैं समझा और मैं समझ करके उनका 1-2 लाख रुपया का माल भी आया हुआ था मेरे सामने ही, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था। मैं देखा तो मुझे लगा, तो उन्होंने बताया मुझे कि ये कितने का रखते हो। मैंने बोला इतने का, तो उन्होंने बोला इतने का ही है यहाँ पे, ये कितने का रखते हो, इतने का ही है यहाँ पे। तो ऐसे करके मुझे बताया गया, तो मैं बोला ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैं आया रात में घर पे, एप्लीकेशन डाउनलोड किया बेपार का, और डाउनलोड करके वो मैं यूज़ करने लगा। रात भर यूज़ किया, रात में 12-1 बजे तक मैंने यूज़ किया, उसमें देखा कई सारे प्रोडक्ट। उसके बाद मैं सुबह में गया तो कुछ ऑर्डर किया। ऑर्डर करने का मतलब ये था कि मुझे माल सस्ता चाहिए था, ठीक है। दूसरा बात ये था कि मुझे COD में चाहिए था, क्योंकि मैं 2 बार फंस चुका था। पहली बार मैं, जब 4 महीने मेरा हुआ था, तो मैं पहले गया सूरत। सूरत गया तो सूरत में जो मेरे से छोटी दुकान लेकर के बैठे हैं, वो उनके पास भी मैं जाता था, तो वो अपने आप को होलसेलर बताते थे कि मैं होलसेलर हूँ। और जो बड़े मैन्युफैक्चरर के पास मैं जाता था, तो वो एंट्री नहीं देते थे कि नहीं, हम देते ही नहीं हैं, माल ही नहीं देते हैं वहाँ पे, यहाँ पे माल नहीं देते हम, यहाँ पे माल नहीं देते हम, माल ही नहीं देते, वापस कर देते थे मुझे। तो मुझे लगा कि मैं छोटा जो है उसे ले लूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी साड़ियाँ थी वहाँ पे, ऐसे नहीं है कि नहीं थी, मगर वो रेट जो मुझे यहाँ पे होलसेलर से मिल रहा है, वो रेट पे वो मुझे प्रोवाइड करते थे। तो मुझे सही नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने वेस्ट कर दिया, अपना पैसा भी वेस्ट कर दिया, अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, और मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, और मैं वापस आ गया यहाँ पे। आने के बाद जब उन्होंने बताया मुझे, तो मैं उनसे बात करने के बाद मैं एप्लीकेशन में चेक किया, और मैं फिर कॉल किया कस्टमर केयर को सुबह में, कि ऐसा ऐसा है, मुझे ये माल चाहिए, बट मुझे COD में चाहिए, मुझे पेमेंट नहीं करना है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप 99 रुपीज़ पे कीजिए शिपिंग चार्ज का आप पे कीजिए, उसके बाद माल आपके पास में पहुंच जाएगा, जो अभी आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं वो आपके पास में पहुंच जाएगा, उसके बाद आप पूरा पेमेंट कीजिएगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, 99 रुपीज़ ही तो जा रहा है, एक सेट पहले मंगवा करके देखता हूँ। बाकी मुझे पता था कि मेरे रिलेटिव ले रहे हैं, उनके पास में आ रहा है प्रोडक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे, मैंने पैसा दे दिया और मेरा माल नहीं आएगा। मगर मुझे ऐसा था कि एक बार मैं भी क्वालिटी चेक कर लूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। इसके लिए मैंने 99 दे करके और मैं 2000 का माल ऑर्डर कर दिया। 2000 का माल मेरे पास में आया तो काफ़ी अच्छा था। और जो पहले मुझे होता था कि जो मेरे पास में मेरे कस्टमर आते थे, उनको पहले जो मुझे कन्वेंस करना होता था ना होलसेलर के रेट में, होलसेलर से लेकर के जब मैं उसको बेचता था, तो बहुत कन्वेंस करना पड़ता था मुझे, बहुत समझाना, बहुत वो करना, उसके बाद जा करके वो कहीं लेते थे और जल्दी से लेते भी नहीं थे। तो ये इस चीज़ के लिए मैं 4 महीने एकदम परेशान हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था, या तो बंद कर दो या तो फिर समझ के धंधा करो। फिर मैं व्यापार एप्लीकेशन से ऑर्डर किया, एक सेट ऑर्डर किया, और उसको मैंने दिखाया मार्केट में, जो भी आया उनको दिखाया मैंने, और उनको पसंद आया, उन्होंने अच्छे से, यानी कि जो मुझे मार्जिन लेना था उससे मैं 5% बढ़ा करके मार्जिन में उसको बेचा। बेचने के बाद मुझे ये पता चल गया कि अभी मुझे यहाँ से मंगवाना है माल,
और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के जरिए ही मंगवाना है मुझे, तो मेरा जो ये कमीशन रहता था होलसेलर का और लाने का, ट्रांसपोर्ट से लेकर के आता था गाड़ी लेकर के, अगर लाख रुपया का भी माल लेना है मुझे तो मैं जाता था वहां पे और एक टेम्पा करता था, वहां से माल खरीदता, टेम्पा में रखता, उसके बाद लेकर के आता था दुकान पे। तो टेम्पे वाले को भाड़ा दो, अपना टाइम बर्बाद करो और माल खरीदो, वो सारी चीजों से फिर मैं झंझट मुक्त हो गया। मुझे पता चल गया कि मुझे कुछ भी नहीं करना है अभी, अभी मुझे सिर्फ एक बटन दबानी है, ऑर्डर हो जाएगा और ला करके मेरे घर पे दे करके चले जाएंगे बस। तो वो चीज में मुझे थोड़ी प्रॉफिट अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। और बाकी मुझे प्रॉफिट में भी मैं जो होलसेलर का रेट था उसके 10% चढ़ा करके मैं ले रेट बेचता हूँ यहाँ पे, तभी भी मेरा अच्छा खासा बिक जाता है। तो मैं अभी नवरात्रि के पहले ही मैंने 1 लाख 1.5 लाख का ऑर्डर किया, 1.5 लाख का ऑर्डर किया सभी सीओडी में, सभी सीओडी में ऑर्डर किया, और मैं हमेशा सीओडी में ही करता हूँ। बाकी अब मैं सोचा हूं कि अब मैं पूरा पेमेंट, जब मेरे पास में है पेमेंट तो मैं पूरा पेमेंट करके ही करूं, क्योंकि मुझे भरोसा हो गया है कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका कस्टमर के, इसका कस्टमर केयर भी बहुत अच्छा है, यानी कि कस्टमर केयर सर्विस बहुत अच्छी है। कुछ भी आप बोलोगे ना तो उसको आपको समझा करके देंगे कि आप ऐसे से ऐसे कीजिए, आपका हो जाएगा। और मैं खुद समझ गया हूं कि मुझे अगर कोई भी प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आता है ना, तो उसके लिए भी हमारा उनका रिलेशन इतना अच्छा हो गया है, रिलेशन इतना अच्छा मेंटेन किए वो लोग कि अगर मुझे पसंद भी नहीं आता है ना, तभी भी एक बार ऐसा होता है कि वो रिटर्न ले लेते हैं। तो अभी मैंने कुछ लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया का माल मंगवाया हुआ है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा होता है, और आप भी बताइए कि कैसा है प्रोडक्ट, सही है कि नहीं है, कैसा है क्या है। ये कुर्ती मैंने मंगवाया है, कुर्ती विद प्लाजो है ये, और इसका रेट जो है मुझे जो मिला है 297 रुपया का, मैं आपको दिखा दूं, ये है प्लाजो, दिख रहा है आपको, ये है प्लाजो जो कि 297 रुपया में दोनों आया हुआ है, ये प्लाजो है और ये कुर्ती है एक्सेल साइज की, एक्सेल साइज की कुर्ती है ये, और काफी अच्छी कुर्ती है, यानी कि 500 रुपया में, 700 रुपये, 600 रुपया में मैं अच्छे से इसको बेच सकता हूँ, और साइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये सबसे अच्छी चीज है, यानी कि जो भी आता है मैन्युफैक्चर रेट पे और काफी अच्छा आता है। तो ये मेरा, इसको मैंने 2 सेट मंगवाया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको डिजाइन दिखाने के लिए ये किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास में आई है कुछ साड़ियां, ये देखिए साड़ी है ये, देख लीजिए साड़ी, अभी खोलूंगा नहीं ये, ये देख लीजिए साड़ी, ये मुझे मिली है सिर्फ 210 रुपए में, इसके प्लेन है, ये पल्लू हो गया होगा शायद, और इसके साथ में मुझे कैटलॉग मिला है, जो कि मैं कैटलॉग दिखा करके आपको बता सकता हूँ कि कैसी साड़ी है ये। ये ऐसी साड़ी है, काफी अच्छी साड़ी है, और उसके साथ में मैंने एक सबसे सस्ती कुर्ती ली है, कुर्ती भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है एक्सेल साइज ये कुर्ती है, और काफी अच्छी कुर्ती है, और मुझे ये मिला है 110 रुपए में, 110 रुपए में ये मुझे मिला हुआ है, और मैं इसको 300 से 350 रुपए में निकालने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मुझे एक साड़ी मैंने मंगवाया हुआ है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आती है सिल्क की साड़ी है ये, जो कि काफी अच्छी है और काफी रिजनेबल भाव में मिल जाती है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये सिल्क की साड़ी है, काफी अच्छी साड़ी है, और इसमें मुझे काफी मार्जिन मिल जाता है बेचने के लिए, जो कि काफी अच्छा होता है। तो कुछ साड़ी, कुछ चीजें थी ऐसी, अलग अलग वैरायटी, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट मैंने लिया हुआ है, काफी अच्छी चीजें हैं,
अच्छी लगी मुझे, और मुझे इसको अच्छे से बेचना भी है, अच्छे मार्जिन लगा करके। तो ये सारी चीजें थी। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो ये रेट मिलता है ये काफी अच्छा मिलता है। जैसे कि ये सिल्क की साड़ी हो गई, 175 रुपीज की है ये साड़ी, 175 रुपीज की है, तो काफी अच्छी है। यानी कि मैं 350-300 में भी बेचूंगा ना, तो अच्छी खासी मुझे मार्जिन मिल जाएगी, मुझे पता है। इसके लिए मैंने यहां से किया। दूसरी चीज, इनकी पैकेजिंग, कुछ ही मैंने अभी तक पार्सल खोले हुए हैं, बाकी मैंने खोला हुआ नहीं है, मगर इनकी पैकेजिंग जो है सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी मुझे इनकी पैकेजिंग लगी कि मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए पैकेजिंग, ये पैकेजिंग है, ये इनके ब्रांड का है, नाम जो आता है इनके ब्रांड का वो नाम, और इसमें कितना है, 12 पीस कुर्ती है मेरी, तो 12 पीस कुर्ती आ गई है, अच्छे से पैक हुआ है, इनका टेप लगा हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जो उन्होंने भेजा हुआ है मुझे वही मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसके लिए मैं निश्चिंत हूँ कि ये चीज सूरत से ही आई है, मैन्युफैक्चरर के पास से ही आई है। ठीक है, दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए, ये मैंने शायद 8 पीस ये कॉटन की साड़ियां हैं, मैंने लिया हुआ है 210 रुपए में। तो काफी अच्छा एप्लीकेशन है, आप सभी चाहें तो यूज कर सकते हैं, अच्छी खासी मार्जिन आप कमा सकते हैं। जहां पे सीओडी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां से आप सीओडी लेकर के आप अपने घर पे माल मंगवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई भी प्रॉब्लम है, कटा फटा छटा कुछ भी होता है, तो ये 7 दिन के अंदर रिटर्न भी ले लेते हैं। आगे भी अगर होता है तो आपका रिलेशन अगर अच्छा खासा है, आप ऑर्डर अच्छा खासा कर रहे हैं, तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये पूरी कंपनी पूरी आपको हेल्प करने वाली है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है आपको। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन जो है वो काफी अच्छा है, मेंस वैरायटी भी लेकर के आ गया है अभी, तो काफी अच्छा है। और मैंने जो 1 लाख का मंगवाया था, मैंने प्रोडक्ट जो 1 लाख का मंगवाया है, तो उसके साथ में मुझे एक ये कप मिला हुआ है व्यापार की तरफ से, ये देखिए दोनों साइड में बना हुआ है, तो ये कप मुझे मिला हुआ है, एक टी शर्ट मिला हुआ है मुझे, और कुछ हैंकीज मिली हुई हैं एज ए गिफ्ट प्रोवाइड किया गया है मुझे। तो काफी अच्छा लगा है मुझे ये प्रोडक्ट देख करके, और जो आया है वो भी प्रोडक्ट अच्छा खासा आया है, और जो गिफ्ट मिला है वो भी अच्छा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी को कि आप सभी व्यापार एप्लीकेशन से ऑर्डर कीजिए, चेक कीजिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो होलसेलर को छोड़िए और खुद का धंधा बनाइए और खुद मैन्युफैक्चरर बन जाइए। होलसेलर खुद बनने की कोशिश कीजिए, रिटेल ये होलसेलरों के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है। जब डायरेक्ट सूरत से मैन्युफैक्चरर की प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो होलसेलर जिस प्राइस पे खरीद रहा है उस प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। काफी अच्छे से धंधा कीजिए आप, और भगवान करेंगे तो आपका काफी अच्छा धंधा होगा भी। और अब रही बात एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन काफी अच्छी है, और मैंने जो ये 1 लाख का माल मंगवाया तो कस्टमर केयर का कॉल आया था मेरे पास में कि सर आप मुझे एक वीडियो बना करके दे दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी कुछ है नहीं मेरा इसमें, इस वीडियो में जो है मेरा ये शॉप है, मेरे कुछ कपड़े हैं जो आए हुए हैं इसके लिए। और उन्होंने बोला था कि कुछ वीडियो बना करके दीजिए कि मैं आगे भी उसको फॉरवर्ड कर सकूं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। बाकी आप सभी की दुआ रहेगी तो अच्छे खासे से धंधा चलता रहेगा मेरा, और हमेशा चलेगा, और अच्छी खासी मार्जिन में मैं कमाता रहूंगा, आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।